खबर रीवा से। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के इतिहास में 6 मई 2021 को हुई घटना, जिसमें कॉलेज में अध्ययनरत फाइनल ईयर छात्र रौनक भंडारी का सिलपरा नहर में दुर्घटनावश दुखद निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि पर 6 मई 2022 को उनके सहपाठियों के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का आयोजन किया गया। मित्रों ने बताया कि रौनक वास्तव में समाज के प्रति संवेदनशील भावनाओं से भरा हुआ एक व्यक्तित्व था। ये शिविर सरस्वती शिशु मंदिर महाविद्यालय निराला नगर के प्रांगण में प्रातः 8 बजे से आयोजित किया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय के प्रांगण के पास ही मैदान में पिछले हफ्ते से चलाए जा रहे क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन अभियान में एकत्र किए गए कपड़ों और सभी उपयोगी वस्तुओं को बस्ती के लोगों में बांटा गया। संतोष मिश्रा पटवारी मजगवा के नेतृत्व में संस्थान नवे निकुंज, संतोष सिंह पार्षद निराला नगर एवं समाज सेवी अमित शुक्ला के द्वारा शिविर के संचालन में योगदान दिया गया। वहीं दूसरी ओर छात्रों को ऐसी घटनाओं के लिए सतर्क करने के उद्देश्य से 6 मई 2022 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्याम शाह महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग लेक्चर हॉल में एक ओरिएंटेशन कम अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियांक शर्मा, डॉक्टर अवतार सिंह यादव, उसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर एपीएस गहरवार और नरेश बजाज और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मनोज इंदुलकर व शशि जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं सभी विद्यार्थियों को ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पहले से ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को दुर्घटनाओं को लेकर उदाहरण पूर्वक रख कर ऐसी जगहों पर न जाने, सतर्कता और सावधानी रखने और आपातकालीन स्थिति में फंसने पर तुरंत कॉलेज के द्वारा निर्धारित नंबर पर संपर्क करने की सीख दी गई। इसके साथ ही नशे मुक्ति के संदेश को भी केंद्रित रख मानसिक रोग विभाग से डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा व्याख्यान दिया गया। वहीं निश्चेतना विभाग से डॉक्टर अरविंद राठिया एवं उनकी टीम के द्वारा छात्रों को बेसिक लाइफ सपोर्ट स्किल्स एवं इमरजेंसी हैंडलिंग प्रदर्शन के माध्यम से सिखाई गई। आयोजक बैच 2016 के द्वारा सभी को रिस्क एवरीथिंग एक्सेप्ट लाइफ का संदेश दिया गया। इसके साथ ही रीवा शहर में हुई घटनाओं को ध्यान रखते हुए बचाव एवं भविष्य में घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन और समाज के द्वारा कुछ पहल हुए संबंध में भी चर्चा हुई।